मैनेजर देखो, तुम्हारे होटल को लोगों ने सुलभ शौचालय बना रखा है। इन फटीचरों को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो हम लोग यहाँ एक मिनट नहीं रुकेंगे। शहर के सबसे महंगे होटल में राहुल के साथ डेट पर आई डिंपल ने जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड लकी को भी वहाँ पर देखा तो वो हैरान रह गई। लकी एक बहुत ही टैलेंटेड और हैंडसम लेकिन गरीब लड़का था। उसकी गरीबी की वजह से ही डिंपल उसे छोड़ राहुल को डेट करने लगी थी, पर आज तो उसने हद ही पार कर दी थी। डिंपल की बात सुन मैनेजर भी घबरा जाता है और लकी पर चिल्लाने लगता है। देखो तुम लोग अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो, दूसरे गेस्ट को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है। वैसे भी टेबल नंबर 8 मैम और सर ने ऑलरेडी बुक करा रखी है। लकी मैनेजर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता है और अपने दोस्तों से बात करने में बिजी रहता है। अगर तुम लोग ऐसे नहीं माने तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। इसके बाद भी लकी मैनेजर के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बस मोबाइल पर उसे एक मैसेज दिखाता है जिसे देखते ही मैनेजर के हाथ पांव फूल जाते हैं। सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैनेजर की बात सुन डिंपल चौंक जाती है कि लकी जैसे गरीब शख्स को मैनेजर सर कहकर क्यों बुला रहा है। एक्सक्यूज मी मैनेजर, इस सीट की बुकिंग हमने कर रखी है, वो भी एडवांस में। मैडम अगले 2 मिनट में अगर आप और मिस्टर राहुल इस रेस्टोरेंट से बाहर नहीं गए तो मजबूरन मुझे सिक्योरिटी के हाथों आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या मैसेज दिखाया था लकी ने मैनेजर को जिसे देखने के बाद उसके हाव भाव बदल गए थे। क्या है लकी की असलियत जिसे डिंपल आज तक नहीं जान पाई, और लकी उस होटल में किस मकसद से आया था? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए एक जबरदस्त ऑडियो सीरीज Insta Millionaire.